हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, महिलाओं को अपने बालों को लेकर काफी चिंता रहती है और उनकी चाहत होती है कि उनके बाल लंबे और चमकदार हो। कई महिलाएं अपने छोटे बालों को लेकर काफी परेशान भी रहती है, लेकिन आज हम इस कड़ी में आपको चीन के एक ऐसे अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की महिलाएं अपने बालों की वजह से ही चर्चा में हैं। गाइस, हम बात कर रहे हैं चीन के दक्षिण पश्चिम के गुइलिन प्रांत में बसा गांव हुआंगलो की। यहां एक समाज है जिसे याओ कहा जाता है और इस समाज की महिलाओं में लंबे बाल रखने की सदियों पुरानी परंपरा है। वैसे चीन के इस गांव को लॉन्ग हेयर विलेज के नाम से भी पुकारा जाता है और इस समाज की महिलाएं अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार बाल कटवाती है। गाइस, दरअसल यहां महिलाएं जब अपने लिए जीवन साथी की तलाश करती है तो वे अपने बालों को स्कार्फ से बांध कर रखती है और वही लड़की के कटे हुए बालों को लड़की की दादी सजावटी डिब्बे में उसकी शादी होने तक संभाल कर रखती है। और उसके बाद जब शादी होती है तो शादी के बाद लड़की की इन बालों को उसके पति को तोहफे में देने का रिवाज है। यहाँ हर साल 3 मार्च को लॉन्ग हेयर फेस्टिवल मनाया जाता है और इस पर्व में महिलाएं गाना गाकर और डांस करके अपने लंबे खूबसूरत बालों का प्रदर्शन करती है। गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।